नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी काफी वीडियोस में आपके मूलांक को लेकर के जिक्र किया है कि व्यक्ति का जो मूलांक होता है, वो जो उसका मूलांक है, उस मूलांक वाली तारीख, उस मूलांक वाला नंबर, उस मूलांक वाली गाड़ी यदि आपके पास होती है तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होती है। उस मूलांक से जुड़ा हुआ जो कलर है, उस कलर को यदि आप अपनी लाइफ में प्लेस दे देते हैं, उससे भी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होता है। वैसे दोस्तों, जो येलो कलर है, ये लक्ष्मी प्रदान है। येलो कलर लक्ष्मी प्रदान है। जो व्यक्ति की ओरा में येलो कलर दिखाई देता है, वो व्यक्ति हमेशा ही लक्ष्मी प्रदान होता है, महत्वाकांक्षी होता है और लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन लेता है। तो यदि आपकी लाइफ में इस चीज की कमी है तो आपको उन चक्रों को जागृत करना चाहिए जो आपके अंदर से इस कलर को डेवलप करते हैं, इस कलर की वृद्धि करते हैं। जहां पर भी दोस्तों ये कलर है, वहां पर आशा है, महत्वाकांक्षा है, खुशी है, धर्म है। आपने देखा होगा दोस्तों, भगवान श्री हरि, इन्हें पीला रंग ही पसंद है। यदि आप गुरुवार का उपवास करते हैं, आपको कहा जाता है पीले रंग के कपड़े पहने, पीली रंग की मिठाई भगवान को चढ़ाएं, आप खुद भी बेसन की कोई भी आइटम बना करके खाएं, पीपल की पूजा करें। ये सब कुछ करने से क्या होता है, आपका धर्म बढ़ता है, आपके अंदर जो गुरुत्व, जो एक गुरुत्व की जो शक्ति है, जो गुरु की शक्ति है, जो एक आकर्षण बल है, जो पांडित्य है, जो ज्ञान है, इसको बढ़ाती है, आपकी बुद्धि को सही दिशा दिखाती है। जब ये सब कुछ सही होता है तो लक्ष्मी अपने आप ही आपके पास आती है। माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि को ही उन्होंने वरण किया है, किसी और को नहीं किया है। जिसके पास सही बुद्धि है, सही दिमाग है, महत्वाकांक्षा है, जो दुनिया पर राज करने की शक्ति रखता है, जो राजा के समान है, हमेशा माता लक्ष्मी उन्हें पसंद करती है और ऐसे ही व्यक्ति के पास माता लक्ष्मी आती भी है। तो दोस्तों, आपको अपनी अपनी बॉडी में से आप जो येलो कलर की जो ज्योत है, जो ओरा है, उसको आपको और ज्यादा मजबूत बनाना है। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपके पास धन आता रहे और आपका मान सम्मान भी बढ़ता रहे और आपकी लाइफ में आप कभी पीछे हट आपका कहीं पर भी ना हो, आपका परिवार भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, परिवार के अंदर कभी कोई कलह ना हो, जहां पर भी भगवान श्री हरि का वास है, आप देखना वहां सुमति ही सुमति है। वहां लोगों की, परिवार के मेंबर्स की काफी अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के लिए, बहुत जल्दी आगे बढ़ता है ऐसा परिवार जहां सुमति होती है, बुद्धि सही दिशा में चलती है, क्योंकि गुरु का बल प्रबल हो जाता है। जब बुद्धि सही दिशा में चलती है तो लक्ष्मी अपने आप ही आपके पास आती है। तो इस शक्ति को दोस्तों बढ़ाने के लिए बहुत ही साधारण सा ये उपाय मैं आपको बता रही हूं जो आपको करना है। इस उपाय को यदि आप गुरुवार के दिन करते हैं बढ़िया रहेगा, रविवार के दिन करते हैं बहुत बढ़िया रहेगा, पूनम के दिन करें, अमावस्या के दिन करें, कोई भी अच्छे दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों हल्दी को आप थोड़े से पानी में घोल लें और आपको अपने नाभि के ऊपर वाले स्थान पर सिर्फ एक ही नंबर लिखना है, वो नंबर है 11, मतलब कि 11 नंबर आप अपनी नाभि के ऊपर लिखते हैं तो आपके पास धन भी आता है और धर्म भी आता है। आप अंदर ही अंदर मजबूत बनते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो भी जबरदस्त मजबूत बनता है। आपके अंदर भगवान श्री हरि की जो शक्ति है, जो पीले रंग के अंदर बसी हुई है, वो आपके अंदर से डेवलप होती है। आपका नेचर राजा जैसा होता है और आपकी लाइफ भी राजा जैसी होगी। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह के समय कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय हो आप इस उपाय को करना शुरू कर दें। शुरुआत जैसे मैंने बताया है, आप रविवार के दिन से करें या गुरुवार के दिन से करें या फिर पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, कोई भी अच्छा वार त्यौहार हो, उस दिन से आप इस क्रिया को करना शुरू करें। एवरीडे आप अपने नाभि के ऊपर हल्दी से सिर्फ 11, मतलब 11 इतना आप लिखें, रिजल्ट आपको खुद ब खुद मिल जाएगा दोस्तों, बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया आएगा।
तो करते रहें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है दोस्तों तो इसे शेयर अवश्य ही करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।